लग रहा है ट्रैक्टर गएंगे, ट्रैक्टर गएंगे मथुरा के आसपास है, मथुरा टोल। जयकार लगा देते, बोल शंकर भगवान की जय। जर्नी सही रहा है, बढ़िया रहा है। मैं और हिमांशु, मेरा ट्रैवलिंग पार्टनर तो आपको पता ही है कौन है। और अभी हम निकल लिए भाई घर से, सबसे मिल लिए हैं। और भाई डेस्टिनेशन लगाते हैं, पहले इसमें पेट्रोल भरवाते हैं, हवा भरवाते हैं गाड़ी में। हिमांशु कुछ खाने के लिए लेना है वो भी ले लेते हैं। करते हैं इस जर्नी को स्टार्ट, क्योंकि ये जर्नी हमारी बहुत लंबी होने वाली है। हिमांशु तो पहली बार जा रहा है, मैं पहले होके आ चुका हूँ। अब रूट दिखा रहा है दो गूगल मैप, एक दिखा रहा है मुंबई से होते हुए, एक दिखा रहा है नागपुर से होते हुए। तो हम नागपुर वाले रास्ते को पकड़ेंगे। सो भाई फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ 35mm लेंस से। कैसी वीडियो आ रही होगी कॉमेंट करके जरूर बताना भाई, कि कैसी वीडियो कैसे नहीं। लेंस तो बहुत अमेजिंग है, इससे मेरे को क्लैरिटी सही पता लग रहा है, व्यू आ रहा है। मतलब मैं स्क्रीन में देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन में देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम रूट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम भाई ग्वालियर वाला, क्योंकि जो मुंबई से जाता है वो थोड़ा सा अजीब है। मतलब अजीब नहीं है, मतलब ये है कि हाँ यार वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और स्लो वाले को देख ले, हम फास्ट कर लेंगे। बाकी हमारा परसों का है, नॉन स्टॉप जाएंगे, कोशिश तो यही करेंगे नॉन स्टॉप पहुंच जाए। बाकी तो चलते रहे। हिमांशु ने खाने के लिए ले लिया, कॉफी हमने ले लिया, रात भर गाड़ी कोशिश मैं करूंगा, मैं चलाऊंगा। हिमांशु बोल दूंगा कि अगर तुझे नींद आ रही है तो तू सोचिए, अगर नहीं आ रही है तो तू चला ले, फिर मैं सोचा। बट मुझे पता है नींद तो हमारा वही टाइम है, सुबह 5-6 बजे का, दोनों माँ बाप भाड़ जगह। तो या तो ऐसा करेंगे कि कोशिश करूंगा सो जाऊं, अगर नहीं सो जाएगा तो फिर तो भाई कॉफी भी और पीना। कॉफी पी ली मैंने, 2 और 3 पी ली मैंने कॉफी आज। सो भाई क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को तो फास्टैग वाली चीज़ है, हर को हर टोल पे डबल पैसे देने पड़ेंगे सुबह तक। या देख लेंगे कुछ टोल पे अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना तो क्योंकि मैंने कुछ काम करवाया था गाड़ी में, मैं बता नहीं सकता, समझ रहे हो। फ्रंट सीट से लेकर कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, जो नहीं समझे तो कोई नहीं, फास्टैग निकल गया था मेरी गाड़ी का, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं दिन में लगवा लूँगा, मैं बोलने वाला भी था तेरे को। राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सो भाई फिलहाल हमने कवर कर लिया है भाई 100 किलोमीटर, एंड अभी मेरे को भाई एडिटिंग करनी है, क्योंकि भाई कल का व्लॉग भी तो आना है। तो इस वजह से मैं अब गाड़ी के साइड में बैठ दूंगा, हिमांशु चलाएगा, और मैंने कुछ खाया नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँ मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, और कॉफ़ी से ही काम चल रहा है, और ना मैंने आज दिन में कुछ खाया था क्योंकि उठा था लेट, और उसके बीच में मैंने सिर्फ प्रोटीन पिया था सुबह 11:30-12 बजे। उसके बाद भाई तुम्हारा भाई भूखा घूम रहा है। तो फिलहाल अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मथुरा, तो आगरा मथुरा होते निकल देंगे हम सीधा साउथ की तरफ। अच्छी आ रही, चाहे मैं इतनी दूर चला जाऊँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी चलो हिमांशु चलाएगा गाड़ी को भाई, कैमरा सेटअप मेरे को अब अलग एंगल से करना है। भाई एक बीटी हो गई हमारे साथ, क्या बीटी हुई है भाई, हिमांशु को बोला था मैंने कि एक काम कर तू थर्ड वेव से कुछ खाने के लिए ले लियो, इससे बंदे ने अपने लिए पेटीज ली और मेरे लिए कुछ नहीं लिया। कुछ खाया हो तेरे मनोगर, मैंने बोला था हमें पीटा लिया हो ज्यादा मिला ही ना, मैं कह रहा क्लीनिंग से जरा, तो भाई पूछ ले तो मेरे तरफ फोन कर लेता भाई कुछ और खाया का। यार हिमांशु अब तो भाई क्या ही बोले, फिलहाल एडिटिंग कर लेते हैं, बैठ के लैपटॉप निकाल लेता हूं मैं एडिटिंग करके। भाई कौन सी जगह आई हो? ये थ्रेड टोल है, मथुरा के आसपास है मथुरा टोल। तो भाई अभी फास्टैग बनवा रहे हैं, हमारा रात का टाइम हो चुका है भाई 3:24, एंड भाई लग रहे पर क्या भाई कह रहे कि जो पेटीएम वाला जो फास्टैग है वो बेसिकली वो हो चुका है बंद, मतलब जो इतना भी पेटीएम से जो फास्टैग था वो सब बंद हो जाएगा। क्या भाई पैन कार्ड तो जिनके पास भी पेटीएम वाले जो फास्टैग है वो बंद होने वाले, तो भाई चेंज करवा लो टाइम से पहले ही। हो भाई क्या होगा? हो रहा है चलो भाई हो रहा है, पता नहीं भाई कह रहे थे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मगर भाई होगा क्योंकि कंपनी से जब मैंने एक्सयूवी ली थी उसमें आया था एसबीआई वाला फास्टैग। नंबर कहां का है भाई? 26 नंबर गुड़गांव का भाई। सो भाई फिलहाल हमने फास्टैग बनवा लिया है भाई, एसबीआई वाला है, और ये सही है यार, मतलब कि अब पेटीएम वाला बंद हो रहा तो तब भी चेंज ही होता, तो सही टाइम पे मैंने ये बनवा लिया, वरना मैं पेटीएम वाला बनवाता तो कह रहा था वो तो री इशू हो ही नहीं रहा है क्योंकि बंद कर रहे हैं। एंड फिलहाल जो मैंने कैमरा लगा रखा है वो गाड़ी के भाई बिल्कुल बाहर है, ऐसा मूवी वाला सीन नहीं आ रहा है कि आवाज़ अंदर से और कैमरा बाहर से शूट कर रहा है। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ इस टाइम, ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपये मेरी गाड़ी के बाहर लटक रहे हैं और एक छोटे से माउंट के ऊपर। बट देखो यार अच्छी चीज़ दिखाने के लिए ना इतना रिस्क तो बनता है भाई, बट सही में ये जो लेंस है ना बहुत प्यारा लेंस है, कैमरा हल्का सा टेढ़ा है बट कोई नहीं, थोड़ा सा सहन कर लो भाई टेंशन, मतलब व्लॉग्स सारे टाइम पे आएंगे, 11 बजे तक तुम्हें व्लॉग्स मिल जाएंगे, बाकी तुम मुझे टाइम डिसाइड करके बता देना कि कौन सा टाइम बेस्ट रहता तुम्हारे हिसाब से, अपन वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो बस ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेंगे, अभी तो स्टार्टिंग हुई है भाई, अभी तो मैंने बहुत सारा सेटअप, सिर्फ ये तो नॉर्मल सा सेटअप है, अभी आगे देखो और भी सेटअप स्टार्ट होने वाले हैं इसमें, अभी तो ये खुद ही कैमरा घूम जाएगा 360, अभी तो बहुत सारी चीज़ें यार। सो भाई फिलहाल अभी रुके हैं हम कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को लग रही बहुत कड़ी भूख।
तो भाई से पूछते हैं, भैया भाई गाने बताने चला रखे। अच्छा भगुने तो सारे खाली रखे हैं भाई, खाना क्या मिलेगा भाई? खाना नहीं मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा इसके अलावा? कुछ भी नहीं, आगे खाना पड़ेगा भाई। मतलब ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि टाइम फिलहाल कितना हो चुका है, पॉज बदले ना, पॉज बदलिए भाई। चलते चलते कम होती जाएगी। तो भाई फिलहाल हमने खाना ऑर्डर कर दिया यहाँ पे, दाल तड़का और बटर रोटी, मतलब बटर रोटी नहीं बेसिकली तंदूरी करारी रोटी यहाँ मिला। और अभी सीन पता क्या हुआ, मैंने ना कैमरा रखा एक जगह, तो मैं वीडियो शूट करने के चक्कर में दूसरे की गाड़ी के कैमरा कैमरा का शूट कर लूँगा। सीन ऐसा हुआ, उसके अंदर लेडीज़ बैठी थी, मैंने देखा नहीं, मैंने झोंक के थोड़ा देखा। हिमांशु कह रहा भाई लेडीज़ बैठी है गाड़ी के अंदर। मैं कहाँ? कह रहा गाड़ी के अंदर। मैंने देखो, ओ माय गॉड मक्सीट। बट अभी यहाँ पे दाल तड़का मंगाया भाई, भूख लग रही है बहुत कड़ी से, बताऊँ मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। अब दिक्कत ये भी है कि अगर हमने अभी खाना खाया ना दोनों सो जाएंगे क्योंकि अभी ना, अब जैसे 5 बज रहे, अभी हमारा पीक टाइम है सोने का, मतलब 5:30, 6 ये हमारा पीक टाइम होता है सोने के। इस टाइम हम रोज सो जाते हैं, तो अब इस टाइम नींद आएगी। कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। तो भाई फिलहाल खाना खा लिया है और भाई हमने यहाँ से ले लिए लेज और चिप्स, मतलब लेज ले लिया और भाई कोल्ड ड्रिंक ले लिए। और मात्र पता बिल कितने का बना? 325 रुपये का इनका समेत लगा के दोनों भाई पेट भी भर गया के। यार यार ये तो गलत सीन कर दिया यार हिमांशु, यार ये तो बहुत गलत चीज़ है यार। ये बंदा खाना खा के गाड़ी में अंदर जा बैठा हो क्या तू चलाएगा? कह रहा नींद आई है मस्त, अब तो सोए हुए तू। चलो भाई कितना किलोमीटर चला लिया हमने गाड़ी? टोटल चला दी 220 किलोमीटर। पता हम बहुत बढ़िया स्पीड से आ रहे हैं और गाड़ी एवरेज पता कितनी दे रही है? 9 की सही दे रही है यार मेरे हिसाब से। तो गाड़ी अपने हिसाब से गाड़ी सही दे रही है, मेरे हिसाब से गाड़ी सही एवरेज दे रही है। मनसे भाई दवाई नहीं हटा देते तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन बनता, तवा रोटी मिल जाती तो और मजा आता। ऐसी कोई कच्ची उच्ची नहीं थी ना, कच्ची रही और बढ़िया थी क्योंकि मैंने बोल दिया था भाई पतली और करारी बनाइयो। बाकी आवाज़ वीडियोस सब अच्छी बन रही है तो कमेंट करते रहना, मुझे पता लग जाएगा कि आवाज़ में चेंजेस लाने या वीडियो में चेंजेस लाने या फिर अल्ट्रा वाइड में यूज़ करना है या फिर जो भी लेंस यूज़ करें ये वाला, तो वो तुम मुझे बताओगे। तब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। शेयर करते रहना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे देना और स्नैप पे फॉलो कर लेना स्नैपचैट पे। मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम मिस कर जाते हो क्योंकि व्लॉग में वो चीज़ मैं बोल नहीं सकता, वो दिखा नहीं सकता, इंस्टा पे नहीं हो सकती वो चीज़ें। इंस्टा पे 10% है, स्नैप पे 100% रियल 0008 अज्जू तुम्हें स्नैपचैट पे दिखेगा। कर लो फॉलो, एक एक दिन की ऑलमोस्ट मैं 30-30 स्टोरी डाल रहा हूँ स्नैप पे, 30-35 ऐसे ऐसे स्टोरी डाल रहा हूँ, तो कर लो फॉलो यार क्योंकि तुम्हें व्लॉग थोड़े से लेट ले स्नैप पे सबसे पहले, जो सबसे पहले स्नैप पे आएगा उसको सबसे पहले सारी चीज़ें का अपडेट मिलेगा, मैं कहाँ हूँ, कहाँ से मैं निकल रहा हूँ, क्या हूँ, किस टाइम क्या कर रहा हूँ। भाई इन ट्रैक्टर वालों को ना पता नहीं क्या ही अनीत लग रखी है, भगवान कसम, ना तो निकलन दे रहे हैं ना खुद साइड दे रहे हैं। कम से कम मेरे को 3 किलोमीटर तो हो गए इनके पीछे पीछे हॉर्न देते लाइट देते हुए, भाई कुछ मान ही नहीं रहे हैं यार, हद है यार। हाईवे पूरा घेर के चल रहा है भाई, चलो एक लाइन में चलो यार, एक साइड को चलो, मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, कुछ हॉर्न का भी असर नहीं पड़ रहा। दिखाओ देखो, कोई मतलब नहीं हो रही, बंदा जब पट मारता बिल्कुल उसके सामने कोई गाड़ी आ जाती है भाई। ये मुझे लग रहा है ट्रैक्टर गैंग है, ट्रैक्टर गैंग समझते हो, ट्रैक्टर गैंग वो ही है। देखिए भाई साहब भाई हद है यार, और मुझे लग रहा है जहां तक ये जा रहा है जितना सामान जा रहा है चोरी का जा रहा है, कहीं किसी ट्रैक्टर में नंबर प्लेट नहीं है ना ट्रॉली में नंबर प्लेट है, कुछ भी नहीं है। ये सारा सामान मुझे लग रहा है जो भी इसने भर रखा है, ये इसमें भर रखा है रेता, जो रेती होती है ना वो है इसमें और वो चोरी की है मेरे को लग रहा है। तभी ये इस टाइम निकल रहे हैं, सुबह के 5:30-6 बज रहे हैं और इस टाइम निकल रहे हैं।
सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना। सो भाई फिलहाल अभी रुके हैं चाय के लिए, एक चाय ले लेते भाई ऊपर से। एंड ठंड तो है भाई यहाँ हल्की फुल्की, तो चाय तो बहुत अमेजिंग थी, बट नींद आ रही है अभी, तो सोने का तो कुल प्लान है नहीं क्योंकि हिमांशु सो रहा है दो जी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ड्राइव अभी तुम्हारा भाई करेगा जब तक 10 बजे तक, 10 बजे के बाद मैं रेस्ट लूँगा, 10 बजे के बाद हिमांशु गाड़ी दे दूँगा, 2 बजे तक वो चला देगा, उसके बाद फिर अपनी नींद खुल जाएगी, फिर पूरी रात और दिन मैं खींच लूँगा। तो हमारा अराइवल टाइम जो दिखा रहा है वो बेंगलोर का दिखा रहा है, अभी हम बेंगलोर का डाला हुआ है मैंने, तो वो बेंगलोर का दिखा रहा है हमें ऑलमोस्ट यहाँ से 29 घंटे, तो 1750 किलोमीटर है, तो हमने ऑलमोस्ट गाड़ी चला ली भाई कितनी 350 किलोमीटर, तो सही है, पूरी रात रात में 350 किलोमीटर चला ली गाड़ी भाई। बाकी वीडियो शूट कर रहे हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा उस वजह से भी लेट चल रहे हैं, बट भाई ये रास्ता थोड़ा वैसा भी, क्योंकि विकास भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पर हुआ था, तो इस वजह से मेरे को गाय वाय कुछ ज़्यादा क्रॉसिंग वाली चीज़ आगे तो दिक्कत है। बाकी चलो ठंड सी लगन लगी हल्की सी भाई, यहाँ पर टेम्परेचर पता कितना 11 है। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 11 बज लिए, एंड अभी जस्ट मैंने व्लॉग पब्लिश किया है, और मेन चीज़ है अभी गाड़ी हिमांशु चला रहा था थोड़ी देर पहले, हिमांशु ने क्योंकि यार मेरे को आई थी सुबह नींद, ठीक है, तो मैंने गाड़ी लगाई रास्ते में, मुश्किल से थोड़ी देर ही सोए होंगे भाई, बंदे ऐसे थे यार मैं क्या ही बोलूं भाई, मेरे को नींद आ रही थी तो मैंने गाड़ी साइड लगाई, मैंने हिमांशु सो रहा था, मैं कल 15-20 मिनट का तू भी पावर नैप ले ले, मेरी जस्ट आँख ही लगी थी भाई, बंदे ने पहले चल खिड़की आके बजा दी, तो हिमांशु उठ गया, तो हिमांशु बाहर गया, हाँ जी भाई, कह रहा है भाई ऐसे ऐसे अजू भाई से मिलना है और भाई फ़ोटो खिंचवानी है, तो उसने बोला कि यार वो तो भाई सो रहा है अभी, तो ऐसे ऐसे अभी सो रहा है, कह रहा भाई उठा दो उनको, तो उसने बोला भाई ऐसे ऐसे रात गाड़ी चला रहे थे ऐसे ऐसे भाई, नुकर नहीं नहीं भाई उठा दो भाई आप, और हिमांशु ना अंदर बैठ रहा है ऐसे मतलब खिड़की खोल के, तो खिड़की पकड़ के खींच रहे हैं यार जबरदस्ती बंदा, और मैं सो रहा हूँ, तो भाई मैं उठा, मुँह पे कैमरा लगा रहा है, अंदर गाड़ी के घुस रहा है भाई, क्या मतलब है भाई, ऐसा ऐसा क्या दिक्कत है भाई। एमपी पड़ता है, ये सागर जिला पड़ता है, एमपी सागर जिला। सो भाई फिलहाल हम यहाँ पहुँच चुके हैं, एंड रुके हैं, मगर टोल टैक्स क्रॉस किया तो भाई कुछ ज़्यादा ढाबे तो थे नहीं, मगर यार फेस वॉश कर लेते हैं और भाई चाय पी लेते हैं, तो पहले तो फेस वॉश निकाल लूँ मैं, फेस वॉश सनस्क्रीन लगा लूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है सनस्क्रीन का भाई, फिलहाल अपने स्किन केयर कर लेते हैं ना, सारी चीज़ें अनिवार्य है ना, फेस वॉश करके सारी चीज़ें करते हैं, हिमांशु तो अंदर बैठा बाहर निकलने वाला भाई, तो ज़्यादा कुछ ऑप्शंस तो थे नहीं, तो चाय वाय पियेंगे अपने ऐसा करेंगे और निकलेंगे। तो भाई जब तक भाई ने चाय बनाई, जब तक हमने फेस वॉश भी कर लिया और मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा लिया, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ रही है, दिन में ड्राइव रही है, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, वरना तो हम वहाँ तक तो पहुँचते पहुँचते हमारा रंग रूप चेंज हो जाएगा, हो जाता है लेह में तो भाई हद से ज़्यादा होता है। बाकी चाय पी लिए, हिमांशु तो पीछे सो गए भाई, गाने चलाएंगे तगड़े वाले और फिर चलेंगे आपको कुकर पाड़ते भाई। यहाँ पे बेकार है भाई, गाय वाय बहुत आ रही है रोड पे, मेन चीज गाय बहुत है इस पे ना, आपको इस पे आवाज नहीं करी बना गई भाई, मिले हमें मेवात है, मेवात तक कौन सी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहा है, हैं कल चले आप, कल शाम को चले, कहाँ थे, होटल से, होटल से चले हो, होटल तक लगा लो भाई, मैं कल रात को 2 बजे चला, बड़ी बड़ी गाड़ी भी है भाई, अच्छा करते गाड़ी को स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। हर मोड़ पे कुछ नया सा है।